समस्तीपुर से खबर आ रही, बताया जा रहा है कि समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा में उप चुनाव हुई है। यहां पर लगातार वोटों की गिनती जारी थी, अभी अभी चुनाव परिणाम प्राप्त हुए हैं। बताया जाता है कि यहां पर 1,02,090 वोट से एनडीए के प्रत्याशी प्रिंस राज विजयी घोषित किए गए हैं। खबर मिल रही है कि प्रिंस राज को 3,90,276 मत मिले, वहीं इनके प्रतिद्वंद्वी अशोक राम को 2,88,186 वोट प्राप्त हुए हैं। चुनाव परिणाम की घोषणा होते ही जश्न का माहौल कायम शुरू हो गया है। इस बीच विजयी प्रत्याशी या यूं कहें कि समस्तीपुर के युवा सांसद प्रिंस राज ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जो कुछ कहा है, आइए देखिए लाइव। कार्यकर्ताओं को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके दिन रात एक करके इस परिणाम को उन्होंने हासिल किया, इसलिए समस्तीपुर की जनता प्रिंस के ऊपर ये विश्वास दिखाने के लिए प्रिंस को इतना सारा प्यार और ये एक बड़ी जीत जो प्रिंस को मिली है उसके लिए यहाँ की जनता का अपने तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। हर जगह जो उपचुनाव में रिजल्ट अच्छे नहीं, कुछ जगह पर रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, तो डेफिनेटली ये हम लोग लिए थोड़ी सी निराशा की बात जरूर है, क्योंकि जो अपेक्षा थी हम लोगों की बाकी की जो विधानसभा की सीटों पे जिस तरीके से उपचुनाव हो रहे हैं, अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि उस पर भी हम लोग के पक्ष में ही परिणाम आएंगे, बट वैसा हुआ नहीं। बट इसके कारण क्या है, मुझे लगता है चुनाव के बाद अब इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और कहीं पे भी जहाँ पे अगर हम लोगों से कहीं कोई चूक हुई हो या कोई गलती हुई हो उसको सुधारा जाएगा। बट इतना ज़रूर विश्वास से कहूँगा कि 2020 में जब बिहार के जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें पुनः एनडीए भारी मतों से जीतकर पुनः हम लोग राज्य में सरकार बनाएंगे।